धन्यवाद माननीय श्री नरेश बंसल। माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस प्रेस और नित्यकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण विधेयक 2023 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, ये विधेयक पुराने अंग्रेजों के समय के 1867 के उस विधेयक का स्थान लेगा जिसने भारत को सब प्रकार से गुलाम बनाते हुए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी अपने राज को बचाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत अधिनियम बनाया था और उसका प्रभाव हमने स्वतंत्रता के आंदोलन में भी देखा। और जब देश के ऊपर आपातकाल लगा उस समय भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया उस समय भी ये अधिनियम सरकार ने इसका दुरुपयोग किया। समाचार पत्रों में संपादकों के कॉलम छुटकर आए, उन्होंने छापे नहीं इसके विरोध में, लेकिन उनको कारावास की सजा भी दी गई क्योंकि सरकार के पक्ष में न होकर आंदोलन के पक्ष में वो जो लिखते थे। और एक प्रक्रिया और भी हुई कि उसके कारण से जनता को सच्चाई पता नहीं लगती थी। जनता को सच्चाई पता लगे तो उस समय मेरे जैसे नौजवान भी जो भूमिगत आंदोलन में थे उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के भी, उस समय नौजवान थे आप? हाँ, उस समय मैं 19 साल का था साहब। हाँ, तो आज नहीं। आज मैंने ये नहीं कहा कि मैं बूढ़ा हूँ, मैंने ये कहा उस समय नौजवान था तो भूमिगत आंदोलन में था। मेरे जैसे कार्यकर्ता जनता को सच्चाई देने के लिए बिना रजिस्ट्रेशन के पत्र निकालते थे, जनता तक सच्चाई पहुंचे और अनेक उसमें से पकड़े भी गए, उनको सजा भी हुई। इस और रजिस्ट्रेशन, कोई नौजवान जब पत्र पत्रिका निकालने के लिए जाता है तो पुराने अधिनियम के अंतर्गत उसको 2 साल 3 साल केवल रजिस्ट्रेशन के ही चक्कर काटने में लगते थे। डीएम ने नहीं दिया, रजिस्ट्रार नहीं दे सकता था। अब इस अधिनियम में इतना सरलीकरण कर दिया गया है कि उसको 2-3 साल अपने चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और उसका उत्साह ठंडा नहीं होगा, वो 2 महीने के अंदर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है और पत्रिका निकाल सकता है। जिन प्रावधानों के अंतर्गत जेल की सजा थी, मोदी जी की सरकार जब से आई है, नरेंद्र मोदी जी की, तब से पुराने कानूनों को बदलने का सिलसिला हमने प्रारंभ किया है जो गुलामी के प्रतीक हैं। ऐसे लगभग 1500 कानून अब तक निरस्त किए जा चुके हैं। कल ही हमने जनविश्वास बिल इस सदन ने पारित किया, उसमें भी इसी प्रकार का प्रावधान है। 200 से ऊपर कानून विभिन्न प्रकार के निरस्त किए गए और यह प्रक्रिया अभी आगे भी चलेगी। मैं उसके लिए मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार से प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और नई नई पत्रिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस बिल को वो लेकर के आए हैं। इसमें अतिरिक्त समय भी नहीं लगेगा और प्रस्तावित कानून में एक अपीलीय निकाय की भी व्यवस्था की गई है जिसका अध्यक्ष भारतीय प्रेस का परिषद का अध्यक्ष होगा और उसमें 2 सदस्य जो प्रेस परिषद के रखे गए हैं। मेरा उसमें एक सुझाव भी है मंत्री जी को, यदि संभव हो तो उसमें, आजकल पत्र पत्रिकाओं को हमारी बहनें भी बहुत प्रकाशित करती है, उसमें एक महिला भी सदस्य हो अपीलीय बोर्ड में तो और अच्छा रहेगा पत्र पत्रिकाओं में और नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से भी। ये मेरा सुझाव है। डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग को विनियमित करने के एक कदम में हमारी केंद्र सरकार यह प्रेस और नियतकालिक पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 लेकर आई है। इसका उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बनाए रखना है। महोदय, इस विधेयक के कानून बन जाने से डिजिटल मीडिया हाउसों को 90 दिन के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। नया कानून सरकारी इकाई को किसी भी उल्लंघन के लिए डिजिटल प्रकाशनों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार देता है और उसे पंजीकरण निलंबित करने या रद्द करने और जुर्माना लगाने का अधिकार है। विशेष रूप से डिजिटल समाचार पोर्टल में वर्तमान में पंजीकरण आवश्यकताओं का अभाव है। सभापति जी,
जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी नई आ गई है, डिजिटल ओटीपी प्लेटफॉर्म्स ये सब चीजें आ गए हैं, ये भी प्रकाशन के इसमें मुझे लगता है मंत्री जी इसको दायरे में लेकर के इनको भी नियमित करने का प्रयास इसमें होगा। यह विधेयक पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने और प्रकाशकों के खिलाफ मुकदमा चलाने और कारावास के प्रावधान को खत्म करने का प्रयास करता है। विभिन्न मंत्री जी ने अपने प्रस्तुतिकरण में कहा भी कि विभिन्न जो कारावास की सजाएं होती थी उनको समाप्त करके केवल जुर्माना देने का काम किया है। केवल एक उसमें 6 महीने की सजा का है, वो भी 6 महीने तक अगर बिना रजिस्ट्रेशन के प्रकाशन होता है और उसका नोटिस देने के बाद भी वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो 6 महीने की सजा का प्रावधान है। यह विधेयक पारदर्शिता लाने और व्यापार करने में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। महोदय, यह एक सरल प्रक्रिया प्रदान करेगा जिससे छोटे और मध्यम प्रकाशकों को अत्यधिक मदद मिलेगी। मैं बताना चाहता हूं महोदय कि 1867 के अधिनियम में केवल जिला मजिस्ट्रेट ही किसी पत्रिका की घोषणा को रद्द कर सकता था, जबकि प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास उसके द्वारा दिए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र को रद्द करने या निलंबित करने की स्वतः शक्ति नहीं होती थी। लेकिन यह विधेयक पीआरजी को पंजीकरण निलंबित अथवा रद्द करने का अधिकार भी देता है। विधेयक यह भी प्रावधान करता है कि जिस व्यक्ति को किसी अदालत द्वारा आतंकवादी कृत्य या गैर कानूनी गतिविधि से जुड़े अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो या राज्य की सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी किया गया हो, उसे समय समय पर पत्रिका निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह विधेयक उन प्रावधानों को भी खत्म करने का प्रयास करता है जिनके लिए प्रकाशकों और मुद्रकों को डीएम के समक्ष घोषणा पत्र दाखिल करना आवश्यक था, जिसने पीआरबी अधिनियम के दंडात्मक प्रावधानों को समाप्त कर दिया, जिसने सूचना की अनुचित घोषणा को 6 महीने तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध बना दिया। 6 महीने तक जेल की सजा केवल उन मामलों में तय की गई है जहां कोई पत्रिका बिना पंजीकरण प्रमाण पत्र के प्रकाशित होती है और प्रकाशक पीआरजी द्वारा इस आशय के निर्देश जारी होने के 6 महीने के बाद भी ऐसे प्रकाशन की छपाई बंद करने में विफल रहता है या जानबूझ करके नहीं करता है। महोदय, इसमें अपीलीय बोर्ड, प्रेस और पंजीकरण अपीलीय बोर्ड के में अध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और पीसीआई के 2 सदस्य शामिल होंगे जो पंजीकरण देने से इनकार करने, कोई जुर्माना लगाने और निलंबन के खिलाफ अपील सुनेंगे। ये अपीलीय बोर्ड इसमें होगा। महोदय, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा यह विधेयक हमारे दूरदर्शी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में लाया गया एक क्रांतिकारी विधेयक है। यह विधेयक डिजिटल समाचार मीडिया उद्योग जगत में जबरदस्त बदलाव लेकर आएगा। महोदय, इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ मैं अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं जिसने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर दिया। मैं इस विधेयक का भरपूर समर्थन करता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद बंसल साहब। माननीय श्री वी विजय साई रेड्डी जी।